हेलो फ्रेंड्स, आज हम थीम चेंजेस देखेंगे कि कैसे थीम को चेंज करते हैं डायनेमिकली, और उसको हम डेटा स्टोर से यूज़ करेंगे, ठीक है, कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाए फिर भी हमारा जो थीम है ना, करंट थीम वही आना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थीम पे क्लिक करता हूँ, तो अभी सिस्टम डिफॉल्ट है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा थीम है वो सिस्टम जो थीम है ना उससे हिसाब से आ रहा है, और अभी मेरा लाइट थीम है। ओके, तो मैं इसको डार्क थीम करूँगा, अप्लाई क्लिक करूँगा, तभी भी ये मेरा डार्क थीम आएगा। अभी एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से भी ओपन करूँगा ना, तो वो हमारा डार्क थीम ही आएगा। ओके, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग डेटा स्टोर। ओके, डेटा स्टोर जो सेल्फ रेफरेंस का ही एक हाई लेवल है, उसके अंदर हम फ्लो यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेल्फ रेफरेंस में फ्लो नहीं यूज़ कर सकते कि करंट वैल्यू एक्सेस करनी हो तो वहाँ से डायरेक्ट हमको मिल जाता है। ओके, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज ओके, तो क्या कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में होगा ये, तो बेसिकली क्योंकि हमारा प्ले लिस्ट ही वही चल रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया है। ओके, तो एक चीज़ और बतानी थी कि प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको है ना, ये बिल्ड क्रेडल है ना, ओके, उसके अंदर मैंने परसों ये एक वीडियो डाला था, ये हाइड एपीआई इन बिल्ड कॉन्फ़िग। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, कि जब भी मैं प्रोजेक्ट क्लोज करता हूँ ना, फिर से ओपन करूँगा ना, तो ही हमारा एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है। ओके, इसका परफेक्ट सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, ठीक है, बट वो हम कैटूर वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो उसके साथ जॉइंट है इसलिए, ठीक है। तो जो मैंने बिल्ड कॉन्फ़िग किया था ना, उसको सिंपली मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अभी ये यूज़ नहीं होने वाला है, इसको निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको, हाँ, और एक चीज़ कि यहाँ पे ये आपको रखना होगा, ठीक है, तो ये होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको है ना, जो बिल्ड कॉन्फ़िग हमने लिखा था ना, उसको सिंपली कमेंट कर देना और कुछ मत करना, ठीक है। और जिस जहाँ पे भी मैंने ये यूज़ किया था ना, वहाँ से उसको रिमूव कर देना। यूटिल्स में मैंने कांस्टेंट में शायद किया था, हाँ, तो इसको निकाल देना अभी, ठीक है। हमको वो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस करने वाला ही नहीं है, तो इसको निकाल के आपको सिंक करना है, ठीक है, एक बार सिंक कर देना, ठीक है। वो मैं क्यों आ रहा है ना, वो भी मैं उसी दिन बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। उसका सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, ठीक है, कल ही मिला था मुझे, ठीक है। कल ही मेरा प्रोजेक्ट ये ठीक से रन नहीं हो रहा था, तो मैंने पूरा डिटेल में देखा, तो कल वीडियो इसलिए नहीं आया कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और इसको भी कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से सिंक करना, क्योंकि ये भी साथ में आएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे एरर आया क्योंकि हमने कमेंट नहीं किया इसलिए, तो फिर से कमेंट कर देना। ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट अभी बना रहा था, जो क्लाइंट का था, उसमें खाली ये बिल्ड कॉन्फ़िग ही चाहिए था मुझे, तो उस प्रोजेक्ट में भी वैसा ही हुआ। फिर मैंने मेरे जो प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट बनाए थे ना, उसमें चेक किया था कि क्या मिसिंग है, तो मुझे पता चला कि एक चीज़ मिसिंग है। वो मैं जब भी हमारा कैटोर वाला वीडियो आएगा ना, उसमें ही बता दूंगा, ठीक है, कि क्या मिसिंग रखना है आपको, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो अभी के लिए हम डेटा स्टोर जो हम कर रहे थे वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले लीप वाले वर्जन में आना है, उसके बाद आपको जो मेरा ऑफिशियल प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको कॉपी करना है, इसकी कोड कॉपी करना है, लाइब्रेरी कॉपी करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको डेटा स्टोर सर्च करना होगा, ये रहा डेटा स्टोर। ओके, तो सिंपली इसको कॉपी करना है और अपने यहाँ पे ऐड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, उसको यहाँ पे सर्च करना है ऊपर, ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, ये रहा। ओके, इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। अभी जो भी मैं वर्जन है ना, वो मैं लास्ट में एक बार पूरा डिटेल में देख लूँगा कि कौन सा स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो अभी जो रखा है तो वही रहने देता हूँ, ठीक है, लास्ट में हम कर देंगे उसको। उसके बाद आपको जो इसको यूज़ करेंगे उसका कोड चाहिए होगा कि कहाँ पे, इसको कॉमन मेन में ही एक्सेस करना है, ठीक है। इसकी कॉमन मेन की उसका लाइब्रेरी हमको सेपरेटली सब एक्सपेक्ट और एक्चुअल यूज़ करना पड़ेगा इधर, क्योंकि पाथ के लिए वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ये हमारे कॉमन मेन में ही था। ओके, कॉमन मेन में है बट हमको सेपरेट इधर करना पड़ेगा इसको, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट के लिए। वो क्यों करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ, क्यों करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन मेन में ऐड कर देना, ठीक है, उसके बाद सिंक कर देना। तो सिंक होने के बाद मैं मिलता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी अभी सब क्लोज कर देंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है सबको। ओके तो सबसे पहले हमको जो हमारा कॉमन मेन है ना, उसके अंदर यूटिल्स के अंदर एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है, यूटिल्स के अंदर। ओके कॉटलिन क्लास होगा हमारा, वो होगा ऐप रेफरेंस। ऐप रेफरेंस ओके, उसके अंदर हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसकी पैरामीटर प्राइवेट प्राइवेट वेल डेटा स्टोर का, डेटा स्टोर उसके अंदर प्रेफरेंस। ओके तो ये हो चुका। ओके अभी इस वाले ऑब्जेक्ट को है ना, जब भी हम कॉल करेंगे ना, मीन्स कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, वो हर एक आपको एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ करके करना होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। बट अभी के लिए यहाँ पे हम अब कर देते हैं जो भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले होगा हमारा थीम का वेरिएबल लेना है, तो थीम की यहाँ पे ओके वो होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होगा। ओके ओके तो इसके अंदर हम थीम लिख देते हैं की का नाम। ओके और अभी इसको थीम को गेट करना हो तो एक सस्पेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको कि गेट थीम। ओके और हमको इस थीम की वैल्यू को एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए आपको डेटा स्टोर डॉट डेटा उसके अंदर मैप, मैप के अंदर हमको सिंपली प्रेफरेंस ये वाली जो आईटी है ना, यहाँ से प्रेफरेंस मिल रहा है, तो आईटी उसके अंदर हमको थीम चाहिए, थीम की मीन्स की थीम की। ओके तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इधर जूम थोड़ा कर दूंगा, तो यहाँ पे ये नल मिल रहा है, तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको जो भी देनी हो वो दे सकते हो कि थीम आपको क्या करना है। तो थीम जो थीम है ना, वो कैसे एक्सेस करनी है, जो आपने कॉन्स्टेंट में यहाँ पे बनाया है ना, ये थीम उसके अंदर से एक्सेस करनी है। तो थीम डॉट जो भी आपको रखना है, लाइट थीम या डार्क थीम। ओके तो डार्क थीम करते हैं डॉट नेम। ओके नेम करना है। ओके उसके बाद आपको है ना यहाँ पे फर्स्ट करना है कि जो हमारा ये बेसिकली फ्लो है, तो हमको यहाँ से फ्लो नहीं चाहिए, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ना वो चाहिए कि। ओके तो अभी इसको सेट भी कर देते हैं कि सेट फंक्शन टू सस्पेंड सेट मीन्स की चेंज थीम मोड। ओके तो उसके अंदर सिंपली वैल्यू पास करनी होगी, वो होगी हमारी स्ट्रिंग में। ओके अभी सिंपली इसको डेटा स्टोर डॉट एडिट। ओके उसके अंदर सिंपली आईटी उसके अंदर थीम की और इक्वल टू वैल्यू। ओके तो ये हो चुका। अभी सिंपली हमको इस क्लास को एक्सेस करना है वहाँ पे मेन मेन के अंदर, ऐप के अंदर। ओके यहाँ पे एक्सेस करेंगे कि हम है ना यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि जो व्यू मॉडल क्रिएट होगा ना, वो इसके अंदर आएगा। तो वेल तो सबसे पहले ऐप प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिमेम्बर, उसके अंदर सिंपली हमको इस वाले का यहाँ पे ऐप रिव्यू नहीं आएगा, ऐप प्रेफरेंस प्रेफरेंस ये वाला। ओके और इसके अंदर सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और इसको ऐप प्रेफरेंस यहाँ पे हमको यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन हमारा कॉल करना है, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट और एक्चुअल वाला। ओके तो वो हम कहाँ पे करेंगे, जो हमारा यहाँ पे कॉमन एक्सपेक्ट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट उसके बाद फंक्शन और डेटा स्टोर प्रेफरेंस यूज़ करना होगा। ओके उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको गेट करना होगा, क्योंकि हर एक के लिए है इसलिए। ओके तो यहाँ पे सिंपली प्रेफरेंस। ओके अभी एक और एक एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, वो किस लिए मैं बताता हूँ आपको। ऐप स्ट्रिंग ऐप स्टेटिंग। ओके उसके अंदर सिंपली आपको एक प्राइवेट लेट इनिट वेयर डेटा स्टोर इसके अंदर आपको प्रेफरेंस करना होगा। ओके
और इसके अंदर एक सिंक्रोनाइज होगा हमारा वेल लॉक इक्वल टू सिंक्रोनाइज ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको एक्सपेरिमेंट के लिए अभी आएगा इंटरनल तो उसको कर देंगे ओके। उसके बाद एक इंस्टेंस लेंगे गेट स्टोर करके, गेट डेटा स्टोर ओके, और इसके अंदर हमारा एक पाथ होगा प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर पाथ ओके, और वो होगा हमारा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ओके। और रिटर्न में हमको सिंपली यहाँ पे जो फंक्शन है ना वही पास करना है ये वाला ओके यहाँ पे ओके। तो सिंपली रिटर्न सिंक्रोनाइज उसमें ये लॉक पास कर देंगे, उसके बाद आपको इफ डेटा स्टोर डॉट इज इनिशलाइज, इनिशलाइज मीन्स कि इनिशलाइज हो चुका है तो डेटा स्टोर को पास कर दो ठीक है। ये बार बार इनिशलाइज नहीं करना है, एक ही बार करना है ठीक है इसलिए है ओके। और इसके अंदर सिंपली प्रेफरेंस प्रेफरेंस डेटा डेटा स्टोर फैक्ट्री, उसके बाद क्रिएट पाथ, उसके अंदर सिंपली ये प्रोड्यूस फाइल, यहाँ पे कौन सा है प्रोड्यूस फाइल इसको थोड़ा बैक लेंगे, क्रिएट पाथ उसके अंदर ये प्रोड्यूस फाइल, उसके अंदर ये जो पाथ है ना वो पास करना है ओके। और इसको फंक्शन डॉट टू पाथ टू पाथ ओके, इसको पाथ करना है। उसके बाद ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो उसके बाद डेटा स्टोर इक्वल टू आई टी ओके। तो इसको देखना कि कहाँ पे आप लिखो डॉट लिखना है ओके, तो ध्यान से लिखना इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे कर देते हैं ठीक है। तो सिंपली अभी इस वाले फंक्शन को हर एक जगह यहाँ पे एक्चुअल में कॉल करना होगा ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे एड मिसिंग, उसके बाद आपको यहाँ पे आईओएस पे सिलेक्ट कर देना ठीक है और ओके प्रेस कर देना, तो वो सब जगह ऐड हो चुका होगा ओके। तो सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं कि सबसे पहले एंड्रॉइड में करते हैं, तो एंड्रॉइड के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा रिटर्न ही करना है, तो यहाँ पे देख लेना है एंड्रॉइड से लेकर आपको नहीं मिले ना ये फाइल, तो सिंपली आपको एंड्रॉइड के अंदर मेन के अंदर आपको ये यूटिल्स के अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है ओके। आपको ये सब पता होगा ठीक है, तो इसके अंदर ऐप सेटिंग ये वाला क्लास कॉल करना है हमको जो हमने यहाँ पे बनाया है ना ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये वाले वैल्यू को एक्सेस करना है ठीक है। सिंपली अभी एंड्रॉइड के अंदर डॉट गेट डेटा स्टोर, इसके अंदर पाथ ओके, इसके अंदर हमको इंस्टेंस चाहिए होगा इसका पाथ को एक्सेस करने के लिए ओके। तो यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो कॉन्टेक्स्ट मैंने पिछले वाली वीडियो में भी दिखाया था ये जो शेयर लिंक वाला, उसके अंदर हमको ये एक्टिविटी प्रोवाइडर डॉट इनवोक, उसके बाद हमको फाइल डायरेक्टरी ओके, फाइल डायरेक्टरी चाहिए होगा कि जो हमारा डेटा स्टोर की फाइल है ना वो एक्चुअल में हमारी फाइल डायरेक्टरी में स्टोर होगा। तो डॉट रिजल्ट, उसके अंदर हमको फाइल का मीन्स कि फाइल का नाम देना होगा तो वो भी दे देते हैं, उसके बाद हमको एब्सोल्यूट पाथ ऐड करना है। तो फाइल का नाम हम कैसे देंगे कि कॉन्स्टेंट में देना है हमको फाइल का नाम, तो सिंपली आपको कॉन्स्टेंट में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर देना, सबसे टॉप में ही ऐड कर देते हैं ठीक है। कॉन्स्टेंट डेटा स्टोर फाइल नेम इक्वल टू सेटिंग
डॉट प्रेफरेंस, उसके बाद आपको जो भी नाम लिखना है, ओके आपको फाइल का नाम जो भी लिखना है तो वो कर देना, ठीक है वैसे ही करता हूँ। ठीक है तो सिंपली इसके अंदर ये जो वेरिएबल है ना इसको अंदर ऐड कर देना है, ओके उससे उसके बाद आपको एब्सोल्यूट पाथ लिखना है। ओके तो ये हमारा एंड्रॉयड के लिए हो चुका है, अभी हमको डेस्कटॉप के लिए करना होगा। तो डेस्कटॉप के लिए हमको डेस्कटॉप के लिए यहाँ पे आना होगा, ठीक है यूटिल्स के अंदर ये वाला, ठीक है इसके अंदर भी लिखना है। तो इसके अंदर सिंपली आपको रिटर्न ऐप सेटिंग डॉट गेट डेटा स्टोर, उसके बाद सिंपली आपको डेटा स्टोर फाइल नेम ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है डेटा स्टोर फाइल, ये वाली जो हमने कॉन्स्टेंट में बनाई थी ना इसको ही सिंपली, अच्छा इधर डेटा की जगह बीटा लिख दिया कोई बात नहीं, और एंड्रॉइड में भी चेंज करना होगा हमको यहाँ पे, ओके और सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके तो यहाँ पे ये हो चुका, तो अभी सिंपली अभी हमको आईओएस के लिए करना है, तो आईओएस के लिए हम फिर से हमारे जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आ जाते हैं, आईओएस मेन, उसके बाद आपको ये डेटा इसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है सिंपली आपको इसको कॉपी करना है पूरे को, ठीक है उसके बाद आपको आईओएस में आना है और यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है ओके। तो ओके तो यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर ऐड है इसलिए। ओके तो ये सारी चीज़ें भी ऐड है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऊपर, एक बार आप देख लेना क्योंकि मेरे में अभी आईओएस है नहीं तो पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके तो एक बार स्टार कर देना, ओके तो वो भी चलेगा यहाँ पे सिंपली स्टार कर देना और बाकी सबको निकाल देना, ठीक है तो वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है और कुछ नहीं रखना है। ओके और इसमें कुछ मेरे हिसाब से इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है तो ठीक से अभी तो दिख रहा है इसके अंदर। ओके हाँ यहाँ पे और एक चीज़ की जो पाथ का नेम है ना वही रखना है। ओके तो कॉपी थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है तो ये हो चुका हमारा एंड्रॉयड आईओएस और डेस्कटॉप के लिए, अभी सिंपली इसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो जो कॉमन मेन का था ना उसके अंदर हमने यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग होगी कि यहाँ पे एस लगाना भूल गया था, ठीक है इसलिए यहाँ पे हमको दिखा नहीं रहा था। ओके तो सिंपली एस करेंगे तो आपको सब जगह चेंज करना होगा, उससे अच्छा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो जो भी नाम रखे ना वो ठीक से रखना, ठीक है आपको मिसिंग वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, ठीक है तो सिंपली इसको एक्सेस करेंगे हमारे ऐप के अंदर। ओके और इसको सिंपली इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके तो सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है अभी इसको यूज़ कहाँ पे करना है कि जो हमारा सेटिंग व्यू मॉडल है ना यहाँ पे, जो हमारा सेटिंग व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है तो उसको बना देते हैं। तो यूआई के अंदर आना है, उसके बाद सेटिंग और यहाँ पे सिंपली सेटिंग व्यू मॉडल, सेटिंग व्यू मॉडल, ओके इसके अंदर हमको सिंपली वो वाला पैरामीटर पास करना है, प्राइवेट प्राइवेट वेल एफ प्रेफरेंस, ओके उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे व्यू मॉडल कर देना, ठीक है उसके बाद सबसे पहले हमको दो वेरिएबल चाहिए होगा, एक बाहर को एक्सेस करने पब्लिक वेल को एक्सेस करने के लिए और एक अंदर चेंजेस करने के लिए। ओके तो करंट थीम ई एच ई एम, ओके और ये हमारा म्यूटेबल स्टेट होगा, तो म्यूटेबल म्यूटेबल स्टेट फ्लो, ओके तो इसके अंदर हमको नल वैल्यू पास करनी है। ओके तो एक सेकेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, सिंपली इधर इसको ऐसे स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग का भी नल हो सकता है इसलिए। ओके तो ये हमारा हो चुका, एक दूसरे वेरिएबल जो हमको बार वैल्यू एक्सेस करने के लिए थीम परंट थीम
ओके, और सिंपली इस करंट थीम को डॉट एज अ स्टेट फ्लो यूज़ करेंगे। ओके, अभी सिंपली हमको इनिट फंक्शन के अंदर इस जो करंट थीम है ना उसको एक्सेस करना है, तो सिंपली एफ, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं करंट थीम गेट। ओके, और इसको क्रिएट कर देते हैं। ओके, इसमें क्या रिटर्न होगा हमारा, हमारा यहाँ पे एक यहाँ पे रन ब्लॉकिंग यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर सिंपली आपको करंट करंट कहाँ गया, इसको करंट थीम डॉट अपडेट, उसके अंदर आपको सिंपली एप प्रेफरेंस डॉट गेट थीम इसको करना है। ठीक है, ओके, तो हमको ये करंट थीम में मिल जाएगा और सिंपली हमको एक्सेस वहाँ पे जो ऐप के अंदर है ना वहाँ पे करना है। ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। अभी सिंपली आपको फंक्शन चेंज थीम थीम मोड, ओके, उसके अंदर सिंपली वेल स्ट्रिंग पास करना है। ओके, और ऐप प्रेफरेंस डॉट चेंज थीम मोड, उसके अंदर सिंपली वैल्यू। ओके, उसके बाद सिंपली इसके अंदर हमको व्यू मॉडल चाहिए होगा, तो व्यू मॉडल डॉट व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। ओके, अभी इसको हम डिस्पेचर आयो कर देंगे कि इधर बैकग्राउंड थ्रेड मीन्स की मेन थ्रेड पे लोड ना हो, इसलिए डॉट आयो। ओके, और सिंपली इस वाले को कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद इधर वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा सिंपली। ओके, तो सिंपली अभी क्या करना है कि ये वाले फंक्शन को चेंज जब भी करें ना वहाँ पे लिखना है, तो वो हमारा क्या पे होगा जहाँ पे हमने डायलॉग बनाया है वहाँ पे थीम सिलेक्शन। ओके, तो थीम सिलेक्शन हमने सेटिंग स्क्रीन में किया था। ओके, यहाँ पे तो ओके, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो सेटिंग व्यू मॉडल। ओके, और इसको है ना हम डॉट डॉट आईटी डॉट नेम, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस फंक्शन को अभी जब भी सी सेटिंग व्यू मॉडल है ना वो हमको एक्चुअल में रूट पे क्रिएट करना है, यहाँ पे क्यों नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टॉप लेवल पे जाने के लिए कोई फंक्शन है नहीं मींस की, और एक ही स्टेट पे हमको मैनेज करना है सब कुछ इस करंट स्टेट में, क्योंकि हमारा फ्लो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीम चेंज नहीं करना है मींस की, यहाँ पे आपको स्विच लगानी होती तो लगा देता मैं, तो यहाँ से ही हम चेंज कर सकते थे, बट एक्चुअल में एक नया पेज पे मूव करने करने के बाद, एक डायलॉग ओपन करने के बाद हमको थीम चेंज करनी है एक्चुअल में, तो उसके लिए हमको यहाँ पे सेटिंग व्यू मॉडल पास करना होगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है ना इसको एक्सेस करने के लिए हमको वो सब करना पड़ता है। ओके, ओके, तो सिंपली इसको हम है ना इस सेटिंग स्क्रीन जहाँ पे कॉल हुई ना वहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे रूट में भी करना पड़ेगा हमको सेटिंग व्यू मॉडल। ओके, तो सिंपली यहाँ पे सेटिंग व्यू मॉडल। ओके, और सिंपली यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेल सेटिंग व्यू मॉडल व्यू मॉडल, उसके अंदर सेटिंग व्यू मॉडल। ओके, अभी सिंपली इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है ना इसको पास करना है। ओके, तो ये हो चुका हमारा। अभी सिंपली इसको हमारे सेटिंग वेल करंट थीम को एक्सेस करना होगा कि थीम को कहाँ पे सेट करना है, जो ये हमारी न्यूज़ वाली थीम है ना इसके अंदर सेट करना है, तो इसके अंदर भी वेरिएबल ले लेते हैं, तो सिंपली यहाँ पे लिखना है ऐप थीम। ओके, और उसके अंदर स्ट्रिंग। ओके, ये नल हो सकता है, और जो डार्क थीम है ना उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और कलर स्कीमा में थोड़ा बहुत चेंज करना है, इसके अंदर हमको एक दो वेरिएबल ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो ये कलर स्कीमा है ना उसके अंदर आना है और इसके अंदर यहाँ पे ऐप थीम लिखना है। ओके, उसके बाद आपको है ना सबसे पहले थीम
डॉट थीम डॉट लाइट मोड ओके डॉट नेम, वो हुआ तो हमको सिंपली लाइट मोड पास करना है यहाँ पे। इसको ऊपर ले लेंगे और एक थीम है थीम डॉट डार्क मोड हुआ तो सिंपली हमको डार्क मोड पास करना है, डार्क स्कीमा पास करना है। ओके यहाँ पे ऐसा फिर ऐसा, यहाँ पे डॉट लिखना भूल गया। ओके और एल्स हुआ मीन्स की यहाँ पे नल मिला मीन्स की, ओके नल मिला मीन्स की यहाँ पे थीम सेट करनी है, तो उसके लिए आपको सिंपली इसको रिमूव करना है ठीक है। उसके बाद आपको है ना यहाँ पे इफ थीम डार्क मोड हुआ तो एल्स डार्क मोड स्कीमा और लाइट मोड। ओके यहाँ पे क्या हुआ कि जो जो थीम है ना वहाँ पे लाइट मोड किया तो वो लाइट मोड रहेगा, डार्क मोड किया तो डार्क मोड रहेगा, और सिस्टम थीम किया तो एक्चुअल में यहाँ से थीम आया। ओके ओके यहाँ पे तीन कंडीशन है ओके, एक लाइट मोड थीम डार्क थीम और सिस्टम। ओके तो इसके लिए जो सिस्टम थीम है ना वो यहाँ पे आएगा। ओके तो इसलिए सेकेंड वेरिएबल हमको चाहिए। ओके अभी सिंपली इसको हमको यहाँ पे चेंज करना है, करंट करंट थीम बाय सेटिंग व्यू मॉडल डॉट करंट थीम डॉट कलेक्ट एज अ स्टेट। ओके इसको इंपोर्ट कर देंगे। ओके उसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे ये पास करना है कलर थीम। ओके ओके और एक चीज़ यहाँ पे आपको जो डार्क मोड है ना उसको पास नहीं करना है, कुछ पास नहीं करना है। क्यों क्यों कुछ नहीं पास करना है कि जब भी सिस्टम थीम होगा ना ओके तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर है वो आ जाएगा कि इस सिस्टम डार्क थीम, इसकी सिस्टम के हिसाब से वो थीम सेट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है ना वो पास नहीं करना है। ओके तो मैं इसको डायरेक्ट क्यों मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे क्लिक कंट्रोल क्लिक करूँगा ना तो एक कंपोजेबल फंक्शन है। ओके कंपोजेबल फंक्शन को कंपोज में ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, इसलिए ये करना पड़ता है। ओके तो सिंपली यहाँ पे थीम सेटिंग व्यू मॉडल थीम करेंगे। अभी सिंपली हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे रन करते हैं ठीक है, कुछ एरर आता है कि नहीं आता है देखते हैं ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या आया कि एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेफरेंस की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, तो सिंपली यहाँ पे चेंज कर देना ठीक है। ओके तो यहाँ पे एस लगाना ठीक है, तो ये एक्सटेंशन वही होना चाहिए जो डेटा स्टोर का वैलिड है। ओके यहाँ पे आगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको ये चेंज को ध्यान रखना है। ओके तो सिंपली इसको रन करते हैं ठीक है, तो ये हमारा आ चुका। ओके तो बाय डिफॉल्ट मैंने डार्क थीम रखा था। ओके तो इसको थीम में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसमें सिलेक्टेड नहीं आया, वो क्यों नहीं आया वो भी मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं आया, कि जो हमारा जो थीम था ना वो हमने सेट नहीं किया, कहाँ पे जहाँ पे जो डायलॉग है ना वहाँ पे वो भी सेट कर देते हैं। उसको कैसे सेट करेंगे कि यहाँ पे एक तो ऐप के अंदर ये वाला करंट थीम वाला वेरिएबल है ना उसके अंदर सिंपली यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे और करंट थीम को यहाँ पे थीम डॉट लाइट थीम को चेंज कर देंगे। ओके तो यहाँ पे बाई एरर आएगा क्योंकि ये नल हो सकता है, तो जो भी आपने बाई डिफॉल्ट वहाँ पे थीम लगा ना वो कर देना ठीक है। थीम थीम डॉट डार्क थीम मोड डॉट नेम। ओके तो ये हो चुका काम, अब सिंपली इसको रन करते हैं। ओके तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, थीम पे क्लिक करना है, तो जो डार्क थीम है वही आया। अभी लाइट थीम करके मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये थीम चेंज हो गया, बैक करूँगा तो एक्चुअल में ऑब्वियसली थीम चेंज हो गया है। ओके ओके तो मैं फिर से रन करता हूँ तो लाइट थीम आना चाहिए। ओके ओके तो लाइट थीम आ चुका है ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से आपको यहाँ से सिस्टम थीम करूँगा
तो वो और एक्चुअल में हमारा क्या आएगा, जो बाई डिफॉल्ट रखा है मीन्स की सिस्टम का जो थीम है वो ही आएगा, बट मेरा लाइट थीम है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, लाइट थीम है, ओके, तो लाइट थीम आएगा, ओके, तो ये हो चुका है, तो सिंपली अभी इसको मोबाइल में भी टेस्ट कर देते हैं, ओके, तो हमारा ऐप रन हो चुका है, ठीक है, ओके, तो डार्क मोड आया, ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, क्लोज ऑन करेंगे ना तो स्टार्टिंग में लाइट मोड आएगा। ऐसा क्यों लाइट मोड आया, क्योंकि जो हमारी थीम है ना, एक्चुअल सिस्टम की थीम, वो एक्चुअल में लाइट मोड है, इसलिए ये आया। इसका सॉल्यूशन करना हो ना तो हमको स्प्लैश स्क्रीन ऐड करनी पड़ती है आपको, ठीक है, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन ऐड करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, वो हम लास्ट वीडियो में देखेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन इधर क्यों ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको मैं सेटिंग में जाके, मैं इधर थीम में जाके इसको सिस्टम थीम करता हूँ अप्लाई पे, ओके, और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से ओपन करता हूँ तो एक्चुअल में वही थीम आई, ओके। और एक चीज़ की, यहाँ पे मैंने सिस्टम थीम के अंदर ये रन ब्लॉकिंग क्यों यूज़ किया, ऐसा मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो हमारी जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसको आयो और इधर पास कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ये ऐसे करता हूँ, अभी मैं इसको मोबाइल में रन करता हूँ, कैसा आउटपुट आएगा तो देखना आप, ठीक है। ओके, तो अभी तो कुछ लाइट मोड का लाइट मोड ही आया, बट मैं अभी डार्क मोड कर रहा हूँ, और जो हमारा सिस्टम थीम है ना मीन्स की उसको लाइट मोड है, हमारा सिस्टम जो है वो एक लाइट मोड है, और जो हमारी एप्लीकेशन है वो डार्क मोड है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ एप्लीकेशन को, ठीक है, अभी मैं ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे लाइट मोड आया, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 0.5 सेकेंड का एक आपको कुछ दिखने को मिल रहा है, देखा, वो एक्चुअल में क्यों प्रॉब्लम आया कि जो वैल्यू है जो डेटा स्टोर की, वो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मीन्स कि 1 सेकेंड का आधा सेकेंड लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रन ब्लॉकिंग यूज़ किया है, ओके, कि रन ब्लॉकिंग क्या करता है कि वो ब्लॉक कर देगा उसको जहाँ पे, जब तक ये ख़त्म ना हो, मीन्स कि लाइन बाइन एग्जीक्यूट हो, ओके, तो वो गेट होने के बाद वो एक्सेस वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद तो वो ऑब्वियसली काम हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा यहाँ पे व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करेगा, तो इनिशियलाइज में क्या है, बेसिकली सबसे पहले एक इनिट फंक्शन है, इनिट फंक्शन में क्या है, रन ब्लॉकिंग, तो रन ब्लॉकिंग क्या करेगा कि हमको यहाँ पे रुक जाएगा, मीन्स कि जब तक ये कंप्लीट ना होगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए वो एक्चुअल में हमको वैसे फ्लक्चुएट नहीं दिखा रहा है, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप लिया है, ओके, यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप ले मैं लिया था, तभी क्या हुआ था, वो 1 सेकेंड थोड़ा डिले हो रहा है मीन्स की, तो आपको थीम एक्चुअल में सेट हो रही है बाय डिफॉल्ट, एक्चुअल में ये जो बाय डिफॉल्ट सेट थीम हो रही है ना, जो डार्क थीम वो सेट हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, तो इसका सोल्यूशन सिंपली इतना है कि रन ब्लॉकिंग यहाँ पे कर देने का, ठीक है, ओके। और ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पे दिखानी थी कि जब भी आप डेटा स्टोर से यूज़ करो तो डेटा स्टोर थोड़ा स्लो है, क्योंकि इसमें फ्लो यूज़ होता है तो गेट करने में थोड़ा टाइम लेता है, ओके, तो आप जब भी स्प्लैश स्क्रीन का ऐसा थीम का हो ना, तभी आप रन ब्लॉकिंग यूज़ करना, ठीक है, और आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना है मीन्स कि ईमेल आईडी या पासवर्ड, ऐसा भी कुछ डेटा आपको स्टोर करना है, ओके, डेटा प्रेफरेंस में, तो वहाँ पे आप व्यू मॉडल डॉट आईओ यूज़ करना, और गेट कैसे करना कि एक लोडिंग डायलॉग हो, ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना इज इनिट का, जब इज इनिट फॉल्स कर देना, ओके, उसके बाद यहाँ पे चेक लगाना कि जब तक इनिट ना हो, यहाँ पे देखिए कि इसको हम यहाँ पे इनिट हो गया, तो इसको यहाँ पे ट्रू कर दो, ओके, तो वहाँ पे चेक लगाना यूआई के अंदर कि इफ फॉल्स हुआ तो आपको लोडिंग डायलॉग सिखाना है, उसके बाद ट्रू हो चुका तो आपको यूआई शो करना है, एक ऐसा कंडीशन आपको यहाँ वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके, तो ये एक रीज़न है, सेफ प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेफ प्रेफरेंस थोड़ा फास्ट है, ओके, इसमें थोड़ा ये मेरे को 0.5 सेकेंड का डिले लगा, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मेरे को पता चला, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है तो उसका सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे, तो इसी से थोड़ा टाइम ले रहा होगा, इसलिए ये मेरे को अप्रोच ठीक लगा, ठीक है, यहाँ पे रन ब्लॉकिंग कर देना, ओके, इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं कि मैं इधर लोडिंग डायलॉग शो कराऊँ, लोडिंग डायलॉग शो भी करा दूँ तो अभी भी एक प्रॉब्लम आएगा कि आपको थीम फ्लक्चुएट होने को मिलेगी, ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा नहीं किया, ठीक है।
बस यही दिखाना था आपको, ठीक है? तो ये हो चुका है, यहाँ पे सिंपली आपको रन ब्लॉकिंग यूज़ करना है कभी जब भी आपको थीम रिलेटेड कुछ भी काम हो। ओके ओके वैसे तो आपको व्यू मॉडल्स को भी यूज़ करना है, वो ही बेटर रहता है क्योंकि वो ट्रेड को ब्लॉक नहीं करता है। ओके आपको सिंपली ये, मैं ये सॉल्यूशन खाली इसलिए कि हमारा फ्लक्चुएट हो रहा था ना, इसलिए मैंने रन ब्लॉकिंग यूज़ किया। ओके तो बस आज के लिए जो इतना ही टॉपिक था, डेटा स्टोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके आपको ओके तो सिंपली आपको जो भी की वैल्यू पेयर करनी है, इसके अंदर बहुत कुछ है, आप देखना। ओके बुलियन है, ओके तो आपको देख लेना खुद। ओके उसका की का नाम, और उसको एक्सेस करना हो तो वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास बनाए हुए। ओके इसके अंदर आपको सारे पैरामीटर जो भी ऐड करना है वो ऐड करते रहना। ओके तो आज के लिए इतना ही, सीखते रहिए सिखाते रहिए, आओ जो। Thank you.